खाली कैन से बनाएंगे राफ्ट। डिंग डिंग। हाय दोस्तों, कैसा लगा मेरा नया राफ्ट? इसे मैंने अपने हाथों से बनाया है। अब मैं युमिको को इसमें बिठाकर अपने साथ दुनिया की सैर पर ले जाऊंगा। इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो कोई भी बना सकता है। हाँ, मैं तो भूल ही गया था कि तुम तो पैदाइशी कारपेंटर हो ना, इसलिए तुम तो सोते हुए भी इसे बना लोगे। ज्यादा होशियारी मत दिखाओ। ओए, इतना ही जोश है तो राफ्ट बनाकर दिखाओ। तब तक मैं युमिको के साथ दुनिया घूम कर आता हूँ। बाय बाय। अब हमें भी हर कीमत पर राफ्ट बनाना ही होगा। इतना लकड़ी कहाँ से लाएंगे? अरे हाँ, अगर राफ्ट बनाने में फेंकी हुई चीजों का इस्तेमाल किया जाए तो? मेरा मतलब इस खाली कैन से है, ये हमारे बहुत काम आ सकती है। इससे राफ्ट? वो कैसे? इसमें तो बला मजा आएगा। हाँ, क्यों नहीं, कैन में अगर कुछ बचेगा तो उसे खाली कर दूंगा। कुछ गलत कहो। कबाड़ में फेंकी हुई कैन खाली ही होती है, और वैसे भी उसमें क्या चीज है, हमें उससे कोई मतलब नहीं। कबड्डी कबड्डी कबड्डी, मैंने कुछ खाली कैन ढूंढ लिए। एक और खाली कैन, मजा आ गया। सुनो, शहर के लोगों, ऐसे खाली कैन फेंकना बंद कर दो, वरना अच्छा नहीं होगा। आंटी, क्या हम वो खाली कैन ले सकते हैं? हाँ बच्चों, ले लो, लेकिन उन खाली कैन का क्या करोगे? इससे हम शहर की खूबसूरती बढ़ाएंगे। अरे वाह, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। ठीक है, अब सारे खाली कैन लेकर जाओ। हाँ, थैंक यू आंटी। इनके दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है बॉस? मैं भी सोच रहा हूँ। डिंग 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 डिंग। तुम मेरी कोल्ड ड्रिंक छीनने आए हो क्या? डिंग डिंग। नहीं, मुझे तुम्हारी कोल्ड ड्रिंक नहीं, बल्कि उसका खाली कैन चाहिए। थैंक यू मेरे दोस्त। अरे वाह, खाली कैन मिल गया, मजा आ गया। कबड्डी कबड्डी, ये क्या? अरे वाह, कितना बड़ा कैन है। छोटे कैन तो इसके मुकाबले कुछ भी नहीं है। ये बढ़िया है, इसे लुटपाते हुए ले चलता हूँ। बॉस, लगता है इसके दिमाग का पेच ढीला हो गया है। मुझे तो लगता है ये लोग राफ्ट बनाने की तैयारी कर रहे हैं। चलो देखते हैं। चलो बॉस। शिंजो, संभाल कर काम करना ताकि तुम्हें चोट ना लगे। हमें खाली कैन के मुंह को बंद करना होगा ताकि उसमें पानी ना जाए। अरे भाई, शिशी मानो को अब तक आ जाना चाहिए। वो आ ही रहा होगा। डिंग 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 डिंग। अच्छा, तो हमारा शक सही निकला। हमारा बॉस। ओए खबरी, क्या खबर है? आपका शक सही निकला बॉस। अच्छा, लेकिन मैं इतनी आसानी से उनको राफ्ट बनाने नहीं दूंगा। लगता है आपके दिमाग में कोई दाल पक रही है। वो देखो। ये तो जमीन में बम लगाकर कैन को उड़ाने की कोगा निंजा टेक्निक है बॉस। लो 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 लो। आज तो बहुत सारे कैन इकट्ठा कर लिए। अरे ये क्या? आपका जवाब नहीं बॉस। क्या बात है, ये है हमारी जीत का पहला नमूना। लगता है बॉस होने वाला है। अरे कोई बचाओ। ये क्या? ये तो शिशिमानो के चिल्लाने की आवाज है। डिंग डिंग। शिशिमानो, ये तुम क्या कर रहे हो? मेरे कंट्रोल में नहीं है, बचाओ। शिशिमानो, ये तुमने क्या किया? शिशिमानो, तुम्हें कैन लेने भेजा था या ड्रम लाने के लिए? माफ करना दोस्तों, आधे रास्ते में आकर न जाने ड्रम को क्या हुआ, वो तेजी से लुढ़कने लगा। समझ गया। ड्रम को तो तुम ही लुटका कर ला रहे थे ना। कोई बात नहीं दोस्तों, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अब हम एक बार फिर से कैन इकट्ठी करेंगे, ठीक है? ओए सुना तुमने, अब हम क्या करेंगे? केनिची और बाकी नमूनों के पहुँचने से पहले ही हम सारे शहर से खाली कैन गायब कर देंगे। चल जल्दी। डिंग डिंग। तुम भी इसकी चाल थी। खाली कैन वाला भाई, खाली कैन वाला, अगर किसी के पास खाली कैन है तो हमें दे दो, हम शहर को सुंदर बनाने में उसका इस्तेमाल करेंगे। अरे वाह, खाली कैन, लगता है आज का दिन ही बहुत अच्छा है। चलो चलो, हमारी तो निकल पड़ी। मेरे सारे खाली कैन कौन ले गया? खाली कैन वाला भाई, खाली कैन वाला, अगर किसी के पास खाली कैन है तो हमें दे दो, हम। ओए मैं कैन वाला हूँ, इसलिए अपनी वैन मुझ पर चढ़ाएगा। कहीं मिलेगा तो छोड़ूंगा नहीं तुझे। चोर कहीं के, एक चोर तमीज की बात करता अच्छा नहीं लगता। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी खाली कैन चुराने की? मुझे पता नहीं था कि ये आपके अंकल, मैं तो बस इस कैन के बोझ को ढोकर आपकी मदद करने की कोशिश कर रहा था, सच में। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। आप कितने अच्छे हैं, प्यार से गुस्सा ठंडा करने की क्या टेक्निक। अंकल जी, मैं एक ऐसी जगह जानता हूँ जहाँ आपको और भी बहुत सारे खाली कैन मिलेंगे। जल्दी बताओ कौन सी जगह है वो। ये अंकल यहाँ क्यों आ रहे हैं? कैसे हो बच्चों? अंकल वो देखिए, वहाँ पर कितने सारे खाली कैन पड़े हैं, आप जितने चाहे ले जा सकते हैं। हमारा के बच्चे हमारे लिए इतने सारे कैन इकट्ठे करने और यहाँ तक ढोकर लाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। हमारा अपना रूप बदलने की निंजा टेक्निक, अब हम आसानी से राफ्ट बना सकेंगे। नहीं।
हमारा जवाब नहीं, हमने खाली कैन से राफ्ट बना ही लिया। ओए इतना उछलो मत के नीचे, जरा यहाँ देखो। तुम लोग मेरे जैसा राफ्ट कभी नहीं बना सकते। खाली कैन से राफ्ट बनाना भी कोई मामूली बात नहीं होती। अभी पता चल जाएगा। चलो क्यों इनके राफ्ट को धक्का मारते हैं। यस बॉस, हम आ रहे हैं। रुक जाओ मारा, हम डूब जाएंगे। ये तुम क्या कर रहे हो? अगर हम डूब गए तो ये रहा उसका अंजाम। अब भुट्टो तुम डूबो या तैरो उससे मुझे क्या मतलब। शोर मत करो, चुप हो जाओ वरना तुम सबको अभी नदी में डुबा दूंगा। लगता है मुझे बचने का कोई रास्ता निकालना ही पड़ेगा। तेज हवा चलाने की निंजा टेक्निक। डिंग 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 कपड़े पहनकर नहाने में मजा आया ना बारो। वैसे अगर तुम थोड़ी रिक्वेस्ट करो तो मैं तुम्हें हमारी राफ्ट पर लिफ्ट दे सकता हूँ। डिंग डिंग, जल्दी लिखने की निंजा टेक्निक। डिंग डिंग। हाय यूमिको, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, तुमने होमवर्क किया? होमवर्क? हाँ, आज दूसरे पीरियड में टीचर हमें डिक्टेशन देने वाले हैं। मुझे तो याद ही नहीं था यूमिको। फिर तो टीचर तुम्हें जरूर डांटेंगे। अब मैं क्या करूँ? घंटी बज गई। रुको तो सही। पता नहीं है क्या नीचे कब सुध लेगा। मुझे डर है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो बड़ा होना ही भूल जाएगा। डिंग डिंग, केनिची अपना होमवर्क करना भूल गया। केनिची हमेशा खेलता रहता है, पलाई कब करेगा। वो तो ठीक है, लेकिन हम उसे टीचर से डांट खाते भी तो नहीं देख सकते। पर हम क्या कर सकते हो, उसे होमवर्क करना याद ही नहीं था। यूमिको ने याद दिलाया। अच्छा ये बताओ, उसका डिक्टेशन टेस्ट सेकंड पीरियड में है ना? हाँ बिल्ले भाई। केनिची बहुत बड़ी मुश्किल में फंसा हुआ है, हमें हर हाल में इस समय उसकी मदद करनी ही पड़ेगी। जल्दी लिखने की निंजा टेक्निक। क्या मैं उसकी मदद कर पाएंगे? डिंग 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 डिंग, शुक्र है जल्दी हो गया। बच्चों आप लोगों ने अपना होमवर्क कर लिया है ना? मैं सबकी कॉपी देखने आ रहा हूँ। अब मेरा क्या होगा? डिंग 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 डिंग, क्या करूँ? केनिची तुम्हारा होमवर्क कहाँ है? वो असल में सर सर वो ये मत कहना कि तुमने होमवर्क नहीं किया है। नहीं मैंने किया तो है, लेकिन अपनी किताब मुझे दे दो। सर वो केनिची तुमने होमवर्क किया है कि नहीं? हाँ मैंने किया है। तो फिर दिखा दे क्यों नहीं? अरे वाह, तुमने तो पूरा होमवर्क किया है, बहुत बढ़िया। क्या कहा? शुक्र है मैं समय पर आ गया। टिंग टिंग हथौड़ी तुम। केनिची इसका मतलब तुम अपना होमवर्क करना भूले नहीं थे। हाँ यूमिको, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी। अरे मैं तो अपना होमवर्क करना कभी भूलता ही नहीं हूँ, और डिक्टेशन टेस्ट का तो पूछो ही मत यूमिको। हाँ तुम सच में कमाल के हो। मैं आ गया। वेलकम बैक केनिची, आज का दिन कैसा रहा? आज तो मेरे टीचर ने मेरी बहुत तारीफ की, और ये सब हथौड़ी तुम्हारी वजह से ही हुआ है, थैंक यू। चलो जो हुआ अच्छा हुआ। हथौड़ी जरा मेरा बैग मेरे कमरे में रख देना, मैं खेलने। अरे केनिची, क्या आज तुम्हें स्कूल से कोई होमवर्क नहीं मिला है? मिला है ना, मुझे 30 पेजेस डिक्टेशन लिखना है। हाँ तो पहले तुम्हें अपना होमवर्क खत्म कर लेना चाहिए। बस भी करो हथौड़ी, मेरा होमवर्क करने के लिए तो तुम हो ही ना, फिर मेरी क्या जरूरत। रुको केनिची, तुम अगर अपनी निंजा टेक्निक से मेरा होमवर्क करोगे तो चुटकी में हो जाएगा, फिर मिलेंगे। डिंग 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 डिंग। नीचे आ जाओ यूमिको, चलो खेलते हैं। सॉरी मैं नहीं आ सकती, मुझे होमवर्क करना है। होमवर्क तो तुम बाद में भी कर सकती हो। क्या तुमने अपना होमवर्क कर लिया? हाँ वो है तो क्या? मैं तो अपना होमवर्क खत्म करके आया हूँ। तुम्हारा जवाब नहीं केनिची, लेकिन मेरे तो अभी 10 के आसपास पेज बाकी हैं। तुम ऊपर आकर मेरी मदद करो ना। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, सारे बच्चों को अपना होमवर्क बिना किसी की मदद लिए खुद ही करना चाहिए। हथौड़ी क्या तुमने मेरा होमवर्क कर दिया? नहीं मैंने होमवर्क नहीं किया। लेकिन क्यों? सुनो केनिची, बिना किसी की मदद लिए तुम्हें अपना होमवर्क खुद ही करना चाहिए। अगर मैंने करना शुरू किया तो 2 दिन तक होमवर्क ही करता रहूंगा हथौड़ी। ठीक है, फिर अपने टीचर को जाकर बता दो कि होमवर्क किसने किया था। अरे अरे हथौड़ी, तुम तो बेकार में नाराज हो रहे हो। अच्छा क्या तुम कोई ऐसी निंजा टेक्निक जानते हो जिससे मेरा होमवर्क जल्दी खत्म हो जाए? डिंग डिंग डिंग। जानते हो तो बताओ ना।
तुमने तो मुझे मुश्किल में डाल दिया। ठीक है, मैं जल्दी लिखने वाली टेक्निक की मदद ले लेता हूँ, पर आखिरी बार। ये हुई ना बात हथौड़ी। ये जल्दी लिखने वाली निंजा टेक्निक की घड़ी है। इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं? अगर तुम इसे अपनी कलाई पर बांध लोगे तो तुम और लोगों से 10 गुना ज्यादा जल्दी लिख सकोगे। डिंग 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 डिंग। अब देखना इसका कमाल। डिंग 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 डिंग। अब मेरा होमवर्क जल्दी खत्म हो जाएगा। गुड बाय। अरे भाई, क्या सच में ऐसी कोई निंजा टेक्निक होती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने तो उसे पापा की पुरानी घड़ी दी है। अब देखते जाओ। अच्छा? जब जब घड़ी से टिक टिक आवाज निकलेगी, तब तब तुम्हारे हाथ अपने आप और तेज चलने लगेंगे। यही है इसका फंडा। क्या बात है? शुरू करता हूँ। ये तो सच में फास्ट। क्या बात है, बढ़िया। तो बच्चों, जिन जिन लोगों ने होमवर्क कर लिया है, अपने हाथ ऊपर उठा ले। यस सर। लाओ दिखाओ मुझे। बहुत बढ़िया केनिची, तुमने तो कमाल कर दिया। इतना होमवर्क तो मैं चुटकी में पूरा कर सकता हूँ। देखिए भले भाई, सर केनिची की कितनी तारीफ कर ले। डिंग डिंग। पापा की वो पुरानी घड़ी तो सच में कमाल की है ना भले भाई? लेकिन उसका ज्यादा इस्तेमाल भी खतरनाक है। सही कह रहे हो। केनिची को जल्दी से होमवर्क खत्म करना था, इसलिए मैंने उसे ये घड़ी दे दी थी। क्या बोले भाई? अब सब बच्चे कैलीग्राफी करेंगे और धीरे धीरे आराम से लिखेंगे, समझ गए ना? यस सर। अरे मेरी कलाई। बाबा रे, ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है ये? मेरे हाथ नहीं रुक रहे। केनिची, मैंने आराम से लिखने के लिए कहा था, तुम्हारा हाथ सुपर फास्ट ट्रेन की तरह क्यों चल रहा है? सर, मैं अपने हाथ को रोक नहीं पा रहा हूँ, क्या करूँ? ये क्या बेकार की बात कर रहे हो? मेरा हाथ नहीं रुक रहा है सर। ये तुम क्या कर रहे हो केनिची? लगता है घड़ी का असर कुछ ज्यादा ही हो गया है। देखा दोस्तों, क्या हाल होता है ऐसे बच्चों का, अपना होमवर्क खुद ही करना चाहिए। डिंग डिंग। शिशिमानु बन गया बेबी पिक की मम्मी। डिंग डिंग। ये क्या, ये मेरे पीछे पीछे क्यों आ रही है? पता नहीं क्या चाहिए उसे। मम्मा, 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 अब क्या करूं? वापस चली जा, 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 वापस चली जा। पता नहीं ये मेरे पीछे क्यों पड़ी है। भागो, बचाओ। कबड्डी 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 कबड्डी। मैं घर आ गया। आप आ गए? ये आपके हाथ में क्या है? ये बेबी पिग हमारे घर के बाहर जोर जोर से रो रहा था। मुझे लगता है ये अपने घर का रास्ता भूल गया है। ये नहीं हो सकता। भागो, बचाओ। दरवाजा खोलो, जल्दी दरवाजा खोलो। ये मेरे पीछे आ रही है। क्या मुसीबत है, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? दूर जाओ, दूर जाओ, मुझसे दूर जाओ। क्या बात है शिशिमानु? ये बेबी पिक कहाँ से आ गई? थोड़ी मुझे इससे बचाओ। पता नहीं ये कौन है, मेरे पीछे पड़ गई। मम्मी, मम्मी। ये बेबी पिक तो बुरा मान गया, देखो कितना जोर से रो रहा है। मैं जानवरों की आवाज समझने वाली टेक्निक से अभी पता लगाता हूँ कि ये क्या कह रहा है। बू 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 ये क्या कह रही है? अच्छा, तो ये बेबी पिग शिशिमानु को अपनी मम्मी समझकर उसके पीछे भाग रहा है। नहीं। अब हम क्या करें, ये बेबी पिग तो पैदा होते ही अपने घर से अलग हो गई है और इसे अपनी मम्मी का चेहरा भी ठीक तरह से याद नहीं है। हाँ? ये बेबी शिशिमानु को ही अपनी मम्मी समझ रहा है। हाँ? मुझे लगता है शिशिमानु डॉगी ना होकर असल में एक पिग है। क्यों, क्या कहते हो? क्या? अच्छा, तभी तो जब ये पहली बार हमारे घर आया था तो मुझे भी ये पूरी तरह डॉगी जैसा नहीं लग रहा था। क्या? नहीं, 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 ये नहीं हो सकता, मैं एक डॉगी हूँ। देखो मैं डॉगी की तरह भागता हूँ। देखो इसकी पूंछ भी बिल्कुल पिग की तरह है। क्या? नहीं बिल्कुल नहीं, आप लोगों की आंखें खराब हो गई है।
देखो मेरी पूछ सीधी हो गई, मैं डॉगी ही हूँ। हाँ सच में शिशिमानु, अब तो तुम बिल्कुल एक डॉगी की तरह ही लग रहे हो। शिशिमानु कोई ऐसा वैसा नहीं बल्कि निंजा डॉग है। हथौड़ी बिल्कुल सही कह रहा है, मैं थक गया हूँ। इस पूछ को भी अभी मुड़ना था। शिशिमानु हम समझ गए कि तुम एक डॉगी ही हो। कल हम जाकर इस बेबी पिक की माँ को ढूंढेंगे, लेकिन तब तक ये तुम्हें ही अपनी माँ समझती है। सिर्फ आज रात के लिए इसकी मम्मी बन जाओ। मुझे क्यों फंसा रहे हो? तू ही मेरा चंदा, तू ही मेरा सूरज, तू ही मेरी आँखों का। देखो ये उसका कितना अच्छे से ध्यान रख रहा है। अरे ये क्या कर रहा हूँ, यहाँ नहीं करता, रुको मैं तुम्हें वहाँ ले जाता हूँ। यहाँ यहाँ कर लो तुम। शुक्र है आखिर ये सो गई। मुझे गुदगुदी हो रही है, रुक जाओ ये क्या कर रही हो, गुदगुदी हो रही है। मैंने इसे रुला दिया। हथौड़ी ठीक से बताओ ना, हम उस बेबी पिक की मम्मी को कैसे ढूंढेंगे? हम उसकी मम्मी को आवाज गूंजने वाली टेक्निक की मदद से ढूंढेंगे। मैं कुछ समझा नहीं हथौड़ी। डिंग डिंग, तो चलो हम भी आ रहे हैं। तू ही मेरा चंदा, तू ही मेरा सूरज, तू ही मेरी आँखों का तारा। इस पहाड़ से हम उसे कैसे ढूंढेंगे हथौड़ी? अब मैं आवाज गूंजने वाली टेक्निक का इस्तेमाल करूंगा। इतनी धीमी आवाज से काम हो जाएगा? ये देखो कनिची, बेबी पिक की मम्मी जहाँ भी हो वापस आ जाओ। बेबी पिक की मम्मी जहाँ भी हो वापस आ जाओ। बेबी पिक की मम्मी जहाँ भी हो वापस आ जाओ। बेबी पिक की मम्मी जहाँ भी हो वापस आ जाओ। अरे ये अचानक तुम चिल्ला क्यों रही हो? बेटा, पता नहीं क्या हो गया है इसे। कल हम अपने फार्म से कुछ पिग को ट्रक में चढ़ा रहे थे तो हमारा एक बेबी पिग कहीं गिर गया। क्या आपको पता है कि वो कहाँ है? शिशिमानु ये इसी की बात कर रहा है। चलो इसे छुटकारा मिल गया। चलो बेबी पिग, जाओ जाकर अपनी असली माँ से मिलो। बेटा हाँ? अरे अब ये नई मुसीबत कौन है? बेटा ये कैसे हो गया? अरे ये तो मेरी डुप्लीकेट है। अच्छा तो इसलिए बेबी पिक तुम्हें गलती से अपनी मम्मी समझ रही थी। शुक्र है बच्चा मिल गया। बेटा चलो अंदर जाओ। बेटा बेटा डिंग डिंग, उसे देखने के बाद तो अब मुझे भी लगने लगा है कि शिशिमानु वाकई में पिग है। मैं डॉगी हूँ, मैं पिग नहीं हूँ, मैं पिग नहीं हूँ, मैं डॉगी हूँ, मैं डॉगी हूँ। हथौड़ी चला नॉवल लिखने। डिंग डिंग, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मजा आ गया, बहुत अच्छी फिल्म थी। मैं तो देखता ही रह गया, वो सैनिक तो सच में बहुत दमदार था। उसने एक ही झटके में सामने वाले का काम तमाम कर दिया। लगता है तुम हीरो के फैन हो गए, लेकिन असल में वो एक्टर इतना दमदार नहीं है। वो तो सब कहानी लिखने वाले की सोच का कमाल है, जो उसने किरदार को ताकतवर दिखाया। कहानी लिखने वाले ने उसे ताकतवर बनाया है? हाँ, क्योंकि कहानी में वही किरदार सही था, इसलिए उसने उसे इतना ताकतवर दिखाया। तो कहानी लिखने वाला अपनी सोच के हिसाब से एक से बढ़कर एक किरदार बना सकता है।
आहा, स्टोरी राइटर बनने में भी कितना मजा आता होगा ना। आइडिया, मैं चलता हूँ। डिंग 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 डिंग। ओह, कहाँ जा रहे हो तोड़ी? मैं एक नॉवल लिखने जा रहा हूँ। क्या? डिंग 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 डिंग। नॉवल लिखना बच्चों का खेल नहीं है, दिमाग के घोड़ों को हर दिशा में दौड़ाना पड़ता है। डिंग 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 डिंग। सूरज के सातवें घोड़े ने की आठवीं शादी। मुझे यकीन है स्टोरी का ये टाइटल सबको बहुत पसंद आएगा। कहानी कुछ ऐसी होगी। आज से करीब 200 साल पहले वादियों से ढके एक खूबसूरत गांव में एक बहुत ही ताकतवर और सुंदर समुराय रहता था। गरीबों और बेसहारों की मदद करने वाले उस ताकतवर नौजवान को गांव के लोग सूरज के सातवें घोड़े के नाम से पुकारा करते थे। क्या बात है, मैंने बहुत ही बढ़िया सोचा। इसमें कोई शक नहीं कि मैं भी स्टोरी राइटर बन सकता हूँ, पर आगे की स्टोरी क्या होगी मुझे सोचना पड़ेगा। क्या उसके सामने कोई उतना ही ताकतवर एक दुश्मन होना चाहिए? ये तो कुछ कुछ मेरी अपनी ही कहानी होती जा रही है। तो फिर ये नॉवल होगा या ऑटोबायोग्राफी, अब आगे सोचता हूँ। लेकिन वो नौजवान इस बात से अनजान था कि उसका सामना एक दुश्मन से होने वाला है। और कितनी देर तक हथौड़ी नॉवल लिखता रहेगा? उसे यहाँ नीचे आकर पहले अपना खाना खाना चाहिए। मैं उसका खाना ऊपर ही ले जाता हूँ। अच्छा ठीक है केनेजी। और वो इस बात से बिल्कुल बेखबर है कि कुछ दुश्मन उसका पीछा कर रहे हैं। हथौड़ी, देखो मैं तुम्हारा खाना ले आया हूँ। डिंग 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 डिंग। तुम लोग मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? हथौड़ी, देखो मैं तुम्हारा खाना ले आया हूँ। तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे, मैं अभी तुम सबको मजा चखा कर यहाँ से 9-2-11 करता हूँ। नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। मेरी बात मानो, मैंने कुछ नहीं किया। मेरी बात मान जाओ। मैं नहीं, तुम मेरी बात मानोगे। मैं तुम्हारा खाना ले आया हूँ, लो खा लो। खा लीजिए भले भाई। डिंग डिंग, तुम सीधी तरह नहीं मानोगे, तुम्हें मजा चखाना ही पड़ेगा। डिंग डिंग, हिम्मत है तो सामना करो, तुम लोग मुझसे बचकर नहीं जा पाओगे। अरे ये सब तो यहाँ चित पड़े हैं। लगता है मेरी तलवार की धार देखकर ही इन लोगों को चांद तारे नजर आ गए। मुझे पता था, लातों के भूत कभी बातों से नहीं मानते। जिंगिंग, अरे ये तुम सबको क्या हो गया? तुम सब ऐसे पिटे हुए क्यों लग रहे हो? किसने पीटा तुम्हें? डिंग 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 डिंग। अगर वो रात भर लिखता रहेगा तो वो जरूर बीमार पड़ जाएगा। लगता है हथौड़ी बहुत बड़ी कहानी लिख रहा है। खत्म होने पर हम लोग उसे सबसे पहले देखेंगे। मुझे उस वक्त का इंतजार है। बॉस को बताता हूँ, बॉस को। ट्रिंग ट्रिंग। क्या कहा, हथौड़ी स्टोरी लिख रहा है? खबर पक्की है? हाँ बॉस, मैं अपनी आंखों से देख कर आ रहा हूँ। ये खबर देखकर तूने बहुत ही अच्छा काम किया है कियो। अब अपने कान की खिड़की खोल। सच में बॉस? तो मैं कियो, तू समझ गया ना कि क्या करना है? हाँ समझ गया बॉस, फिकर नॉट। और जब हीरो अपने दुश्मनों को मजा चखाने की प्लानिंग कर रहा होगा, तभी अचानक मुझे कोई बचाओ। समझ गया, एक राजकुमारी वहाँ मदद के लिए आवाज लगाएगी। बचाओ, कोई मेरी मदद करो। लगता है कोई सच में परेशानी में है। डिंग 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 डिंग। फंस गया बॉस के जाल में। पर यहाँ तो कोई नहीं है। डिंग डिंग, लगता है किसी ने मेरे साथ मजाक किया होगा। अरे मेरी नॉवल कहाँ गई? कहाँ जा सकती है? शिशिमानु के पंजे के निशान। मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने जानता कुछ। देखो ये रहे मेरे पंजे के निशान। लगता है मेरा सोचना गलत है और शिशिमानु सही कह रहा है। फिर किसने किया? मिल गई मिल गई मिल गई, हमें स्टोरी मिल गई रे, मिल गई। वाह वाह, जल्दी से पढ़िए ना बॉस। चलो पढ़ कर देखते हैं कि क्या नाम है। नाम तो काफी इंटरेस्टिंग है, सूरज के सातवें घोड़े ने की आठवीं शादी। वाह क्या टाइटल है। रुक जाओ हमारा, मेरी नॉवल मुझे वापस कर दो, ये मेरी है। नहीं नहीं नहीं, नहीं छोड़ूंगा मैं, नहीं नहीं छोड़ूंगा, ये मेरी है, मैंने बहुत मेहनत से लिखी है, दो मुझे। पर इस कागज पर तो कुछ भी नहीं लिखा है। ये कागज भी खाली है। हथौड़ी, फिर कहाँ लिखी तुमने नॉवल? असल में मेरी हैंडराइटिंग बहुत खराब है और मैं नॉवल लिखने में ज्यादा अच्छा नहीं हूँ। मतलब कि तुमने अभी तक नॉवल लिखी नहीं है? सही कहा। मैंने शुरू से लेकर अब तक की पूरी कहानी अपने दिमाग में तैयार कर रखी है, लेकिन लिखी नहीं है। डिंग डिंग। स्पेस एग्जीबिशन की सैर। डिंग डिंग। स्पेस
वो विशाल जगह है जहाँ अनगिनत तारों का घर है। तो चलिए यूनिवर्स की सैर पर। तो क्या मैं नाचूं? डिंग डिंग, शायद इससे बात बन जाएगी। पहले भाई ये क्या है? असल में कुछ इसी तरह के मुश्किल हालात में इस्तेमाल के लिए ये निंजा का एक डिवाइस है। भीड़ की वजह से अगर कभी दूर की चीज दिखाई ना दे तो इसकी मदद से ये परेशानी दूर हो सकती है। मतलब दूर की चीजों को करीब से देखने का निंजा डिवाइस है ना कमाल की चीज, क्या कहते हो? हाँ, लेकिन इससे तो सिर्फ तुम ही देख पाओगे हथौड़ी। क्या कुछ और नहीं कर सकते? वहाँ देखो, वहाँ तो बिल्कुल। अरे ये क्या, मैं तो सोच रहा था कि सब इससे बारी बारी से देख लेंगे। ये क्या गोले बने हुए हैं? ये गोले नहीं, चांद की फोटो है। मुझे तो ये सब मालूम है। मुझे भी। शिंजो, तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो? मैं सच कह रहा हूं। वो सही कह रहा है। हम निंजा को प्रैक्टिस के लिए बहुत दिनों तक घर से बहुत दूर रहना पड़ता है और उसी वजह से हमारे पास दिन गिनने का कोई जरिया नहीं होता। निंजा तो काफी साइंटिफिक बातें जानते हैं। चलो युमी को खाना खाने चलते हैं, बहुत भूख लगी है। ये भी बहुत जोर से भूख लग रही है वाले भाई। चलो दोस्तों, फिर सब चलकर बर्गर खाते हैं। इधर देखो युमी को, अभी ये पूरा गोल चांद है, अब आधा चांद है, और अब ये चांद का एक टुकड़ा है। अच्छा मजाक था केनिची। तुम क्यों उदास बैठे हो शिंजो? मैं अभी आता हूँ मले भाई। मुझे लगता है उसे कोई जरूरी काम याद आ गया। तुम हमेशा ऐसी ऊटपटांग बातें कहाँ से ढूंढ कर लाते हो? ये तो गलत बात है। अरे क्या हुआ तुम्हें शिंजो? गलत के बाल बहुत लंबे लाइन है, मैं नहीं खिला लूंगा। मेरा बर्गर आधा कैसे हो गया? मैं पूरा चांद लग के गया था, आधा चांद कैसे हो गया? मैं समझ गया, शिशिमानो तुमने मेरा बर्गर खाया है ना? नहीं मैंने नहीं खाया। मुझे मत मारो। ये क्या कर रहे हो? मैं किसी शांत जगह पर जाकर खाता हूँ। भाग के कहाँ जा रहे हो? मेरा बर्गर वापस करो। तुमने खा लिया हो तो क्या हम यहाँ से चले युमिको? पता नहीं अंदर जाने के लिए हमारी बारे आने में और कितने घंटे लगेंगे। मैंने नहीं खाया। ये दोनों तो अच्छा टाइम पास कर रहे हैं। क्या हुआ, ये शिंजो ऐसे शिशिमानो के पीछे क्यों भाग रहा है? शायद चोर पुलिस खेल रहे हैं। मैंने तुम्हारा बर्गर नहीं खाया, तुम्हें गलत फहमी हुई है, रुक जाओ। अरे बाप रे, शिशिमानो तो मुझे बचकर नहीं जा सकते, मेरा बर्गर वापस करो। अरे मैंने बर्गर नहीं खाया, मेरे पास बर्गर नहीं है। इस डॉगी का नाम लीका है और ये पहला डॉगी है जो स्पेस की सैर कर चुका है। मैं सोच कर रहा हूँ, मेरे पास बर्गर नहीं है, यहाँ पे रास्ता खत्म हो गया, मैं तो गया काम से। बचकर नहीं जा सकते आप, मेरा बर्गर वापस करो वरना बहुत बुरा होगा। देख लेना। मुझे नहीं मालूम तुम्हारा बर्गर कहाँ है, मेरे पास नहीं है। लगता है तुम ऐसे मेरा बर्गर वापस नहीं करोगे, तुम्हें मजा चखाना ही पड़ेगा। मुझे मत मारो, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे मत मारो। ये तो असली का लीका है। मुझे बचाओ, दर्द हो रहा है। मैंने सच में तुम्हारा बर्गर नहीं लिया, मेरी बात मानो। अचानक कहाँ चला गया? क्या चल रहा है वहाँ पर? वो कह रहे वो असली कली का है। हम भी चलकर देखते हैं उसे। नहीं, ये जरूर कोई चाल है, ऐसा नहीं हो सकता। अब किसकी बारी है, अंदर कौन जाएगा? हमारी बारी आ गई युमिको। सब लोग लीका को देखने चले गए ना, इसलिए चलो। जी हाँ, ये वो स्पेस है जिसे आप अपने घरों की खिड़कियों से रोज देखते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि आप इसे बाहर से देखते हैं और हम आपको इसे अंदर से दिखाएंगे। के साथ स्पेस घूमने का मजा ही अलग है। हाँ, ये पल मैं हमेशा याद रखूंगी। मैं भी हमेशा याद रखूंगा। ये है जीरो ग्रेविटी कॉर्नर। लेडीज एंड जेंटलमैन, यहाँ आप जीरो ग्रेविटी का मजा ले सकते हैं। भागने और मार खाने पर भी तुमने मेरा बर्गर नहीं दिया ना? मेरे पास सच में नहीं है। तो आप लोग तैयार है इसका मजा लेने के लिए? जीरो ग्रेविटी का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर कोई ग्रेविटेशनल खिंचाव नहीं होगा। सही कहा, इसलिए यहाँ की हर चीज हवा में उड़ेगी। प्लेट और चम्मच। एक बार
कल मैं यहाँ से निकल जाऊँ फिर तुम्हें देखता हूँ। पर तुम तो मुझे रोज देखते हो। डिंग डिंग, अच्छा तो इसे कहते हैं जीरो ग्रेविटी। अब मैं समझा। ऐसा लग रहा है जैसे हम भी तारों की तरह स्पेस में लटके हुए हैं। बड़ा मजा आ रहा है। मैं उड़ रही हूँ। डिंग डिंग, केनिची संभल कर। संभल कर। अरे कोई उसे रोको, वो टकरा जाएगा। ये तो कमाल हो गया। मैं चांद की सैर करके आ रहा हूँ। क्या बात है, केनिची तो बहुत मजे कर रहा है। हथौड़ी की निंजा टेक्निक्स में कभी इतना मजा नहीं आया। अरे केनिची के जेब में से ये क्या बाहर गिरा, मैं अभी देखता हूँ। अरे ये तो मेरा बर्गर है, मैं समझ गया। शिशिमानो, मेरा बर्गर तुमने नहीं बल्कि केनिची ने चुराया था। अरे बाप रे। और केनिची की वजह से तुमने मेरी धुलाई कर दी, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। रुक जाओ। युमिको बचाओ मुझे। चाहे स्पेस में रहो या जमीन पर, ये लोग अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आ सकते। डिंग डिंग, पापा को चढ़ा है जॉगिंग का शौक। डिंग डिंग। क्या पापा, आप सच में जॉगिंग शुरू करने वाले हैं? हाँ, वो क्या है कि आजकल मेरा वजन कुछ ज्यादा ही बढ़ता जा रहा है, इसलिए मैं जॉगिंग करके खुद को दोबारा से फिट करना चाहता हूँ। ये देखो। हा? ये क्या है? ये मेरा ट्रैक सूट और जॉगिंग शूज हैं। मुझे तो लगा इसमें केक होगा। मजा गिरगिरा हो गया। ऐसा मत सोचो बच्चों, अगर पापा जॉगिंग करके पतले हो जाएंगे तो तुम लोगों को भी उन्हें देखकर अच्छा लगेगा ना। मम्मी सही कह रही हैं, पापा का वजन कम कराने में हमें पापा की मदद करनी चाहिए। मैं भी कल से पापा के साथ जाऊंगा। मैं भी जाऊंगा। ठीक है, कल से जॉगिंग शुरू। केनिची, तुम तैयार हो ना? लेकिन पापा अभी तो बहुत जल्दी है। मेरी भी आंखें नहीं खुल रही। बेकार की बातें करना बंद करो, जॉगिंग करने से बहुत सारे फायदे होते हैं, समझे? पापा, क्या हम कल से जॉगिंग करना शुरू नहीं कर सकते? बिल्कुल नहीं, जो ठान लो उसे कर दिखाना चाहिए, क्योंकि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में मोटे हो जाओगे, जॉगिंग करोगे कब? मैं चला। पापा सही कह रहे हैं, जाओ तुम लोग भी जाओ जॉगिंग करने के लिए। ठीक है मम्मी। ठीक है मम्मी। मैं भी साथ चलूंगा। डिंग 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 डिंग। ऑल द बेस्ट बच्चों। जल्दी आओ बच्चों, देखो मैं तुमसे कितना आगे निकल गया हूँ। जरा जोर लगाइए पापा। मुश्किल वक्त कमांडो सख्त, थोड़ा तेज चलिए पापा। पापा क्या हुआ, आप ठीक तो है ना पापा? पापा क्या हो गया आपको? जल्दी चलिए, मैं घर तक जाना है। बस अब मैं और जॉगिंग नहीं कर सकता। आपने अपना इरादा बदल दिया है? ये जल्दी हार मान गए। मम्मी अब पापा कैसे हैं? देखो ना, वो आकर दोबारा सो गए हैं और ऑफिस से आज छुट्टी भी ले ली है। कमाल है। जॉगिंग करना तो सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। मुझे ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी मम्मी। काश ऐसा कुछ हो जाए जिससे पापा लगातार जॉगिंग पर जाने लगे। लेकिन मुझे तो ऐसा कोई भी तरीका नहीं मालूम है। तो पापा बूढ़े हो गए। पापा ने बच्चों के सामने अपनी रिस्पेक्ट कम कर ली है, ये अच्छा नहीं हुआ। ये सच में अच्छा नहीं हुआ। डिंग डिंग। आए, मेरी कमर, मेरे पैर, बहुत दर्द हो रहा है, हाथों में भी जबरदस्त दर्द हो रहा है। अब मैं कभी जॉगिंग नहीं करूंगा, कभी भी जॉगिंग नहीं करूंगा। कौन है, कौन है वहाँ, क्या कर रहे हो तुम? अरे वो मेरे जमा किए हुए पैसे हैं। चोर मेरे जमा किए हुए पैसे चुरा कर भाग रहा है। रुक जाओ, मुझे मेरे पैसे वापस दो। चोर कहीं के, इस पैसे को जमा करने के लिए मैंने बहुत मेहनत की है, तुम ऐसे नहीं ले जा सकते। रुक जाओ, रुक जाओ, मैं कहता हूँ रुक जाओ। चोर कहीं के, मुझे मेरे पैसे वापस दो। चलो हम भी दौड़ते हैं। रुक जाओ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। रुक जाओ, मेरे पैसे वापस करो, मैं कहता हूँ रुक जाओ। देखो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, रुक जाओ, मैं तुम्हें ऐसे भागने नहीं दूंगा। रुक जाओ।
रुक जाओ, तुम मेरे पैसे लेकर नहीं भाग सकते। माफ करना बहन जी। फिर से शेर बाजार गिरा। ये कौन है, मेरे घर में क्यों घुस रहे हो, चोर हो क्या? गुड मॉर्निंग अंकल। शायद ये पुलिस वाला था जो चोर के पीछे भाग रहा है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं बचपन से जमा किए हुए पैसे चोरी नहीं करने दूंगा। इसे हर हाल में हासिल करके रहूंगा। ओ तो यहाँ बैठे हैं भाई साहब, अभी बताता हूँ। मैं तुम्हारे पाँव पड़ता हूँ, मेरे पैसे वापस कर दो। तुम्हारे पैसे? वही पैसे जिन्हें मैंने दीवार पर लगी फोटो के पीछे छिपा कर रखा था। मैं पैसों के बारे में कुछ नहीं जानता। क्या तुम हथौड़ी यहाँ क्या कर रहे हो? अच्छा तो आप सबसे पैसे छिपा कर उस फोटो के पीछे जमा करते हैं पापा? कौन से पैसे? तुम क्या बोल रहे हो, मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा है। पापा वो फोटो फ्रेम टेढ़ा हो गया था, इसलिए मैं तो बस उसे सीधा करने गया था। अच्छा तो तुम वहाँ से भागे क्यों थे? मैं वहाँ से भागा नहीं था, मैं तो आपको जॉगिंग के लिए उठाने आया था। आपने समझा कि मैं चोर हूँ और आप मेरे पीछे दौड़ने लगे। जॉगिंग के लिए? आप तो बहुत कमाल का दौड़ते हैं पापा, बिल्कुल एक एथलीट की तरह। मैं तो आपका बहुत बड़ा फैन हो गया हूँ। हाँ वो तो है, मैं बचपन से ही तेज दौड़ता हूँ। मजा आ गया, जॉगिंग करना बहुत अच्छा होता है। आप तरोताजा महसूस करते हैं और भूख भी अच्छी तरह से लगती है। मुझे तो अब तक यकीन नहीं हो रहा। मुझे भी यकीन नहीं था कि पापा बिना थके जॉगिंग कर लेंगे। और अब कैसा लग रहा है? आपको देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है पापा। मुझे भी। आपने तो कमाल कर दिया। मुझे ये देखकर बहुत खुशी हो रही है कि बच्चे आपकी फिर से रिस्पेक्ट करने लगे हैं। जॉगिंग मेरे लिए अब कोई बड़ी बात नहीं है। मैं तो बचपन में भी बहुत दौड़ता था और सब मेरे पीछे रह जाते थे। अब भी अगर मौका मिले तो अगले ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत कर दिखा सकता हूँ मैं। पापा जी तुसी ग्रेट हो। डिंग डिंग। Thôi thì mình đã vào được như thế này nhé, thì nó sẽ vào được rồi. Nhưng mà bây giờ này mình sẽ cập nhật cái phần mềm cho nó lên nhé. Đây thì đây mình đã để tránh mất thời gian thì mình đã vừa mới tải cái bản cập nhật về nhé. Thì bây giờ mình khởi động lại để cho nó cập nhật phần mềm nhé. Sau khi cập nhật phần mềm xong thì nó lại dính tiếp nha anh em, nó lại dính tiếp cái nó lại khóa tiếp. Khóa tiếp cái mã khóa SIM, khóa khi thay đổi SIM, khóa máy khi thay đổi SIM. Bây giờ mình sẽ tìm cách mình làm tiếp nhé, chứ nó vẫn chưa được đâu nhỉ. Hôm qua mình chạy như vậy là nó mới chỉ có vượt qua được thôi.
sau khi update xong nó sẽ khởi động lại nhé, để nó vào bên trong lại nhé nhé. Cái quay cho nó cao lên tí nhé. Làm cho nó dễ nhé. Đấy, anh em thấy không? Nó rất là nhanh nhé. Vào cái khóa liền nhé.